ठीक है, बनाए सॉरी बताए। अच्छा एक उम्र का ही चल रहा है ना, इसलिए हमको एक दिक्कत, इधर रोशनी है इधर रोशनी है ना, और निकाल देंगे इसको, निकाल देते हैं, दो उम्र का निकाले फिट कर दो। हो गया नॉर्मल, थोड़ा बोर्ड अच्छे दिखना चाहिए, लिखा हुआ दिखावा दिखना चाहिए। हो गया हाँ, होते बात बता दिए थे। अच्छा अगला क्वेश्चन नहीं बताया भाई, फोर वाला याद है, फोर का कॉन्सेप्ट याद है कि भूल गया, टाइम इंटेंस है, क्या बोले थे, फोर और सिंस, बस वही बात सब टकराएगा तुमको। फोर सिंस में क्या लगेगा, वही हैज बीन, हैव बीन और, या तो हैज बीन, दो एक लगाओ ना सीधे समझ से चलो, हैज बीन लगाओ या क्या लगाओ, हैव बीन लगाओ, हो गया। तो बस इज तो होगा नहीं, इज होगा कट गया, जो बच गया सो आसान है, आराम से बनाना। देखो बिफोर वाला में क्या करेगा, बिफोर वाला में क्या होता है बताया, दो को काम होगा। क्वेश्चन ऊ वाला क्वेश्चन सुना है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, नहीं सुना है, सुन लिया ना, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, ऐसा ना पहले या बाद, एक बात है ना, पहले जैसे डॉक्टर के आने, जैसे क्या बोले, स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुका था, पता है ना, ये इसी ये वाला क्वेश्चन है, यही वाला। तो इसमें दो गो काम होता है, एक काम पहले होगा एक काम, ठीक है ना, जैसे राम डैश गॉन बिफोर यू केम, मतलब तुम्हारे आने से पहले राम जा भागेगा, गया है, फिली अब रहता तो ना भाग गया, ऐसा ना गॉन तो जाना होता ना, चला गया। तो जो काम पहले हुआ है उसको बनाना हैड प्लस बी थ्री, कैसे बनाएगा, जो काम बाद में उसको बनाना बी टू, खत्म। इसका मतलब बिफोर वाला बी टू में और बी थ्री में, वही ना, बिफोर वाला किस में, तुम सारे आठ का नहीं आता, तुम लेट का आता रोज, बी टू में और पॉइंट क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझा गया ना, एगो बी टू एगो एग्जाम में सर क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो ये वाला में बी टू लगता है कि बी वन बी फाइव लगता है, सेल भी लगता है, ठीक है। अच्छा वो छोड़ो दूसरा छोड़ो, मैंने ई देखो जो कॉन्सेप्ट बताया उस पर नजर रखना। हाँ तो एगो में बी थ्री एगो में बी टू, बी थ्री अकेला आता नहीं है, बी टू अकेला आता है, इधर पॉइंट समझ में आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये वाला दे देगा तो ई वाला पूछेगा, और ई वाला दे देगा तो, अब देख लो क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, क्या पूछा है, बिफोर के बाद क्या दे दिया है, बी टू, क्या पूछा है, हैड प्लस बी थ्री निकल है, हो गया पॉइंट समझ में आसान रहता है। मतलब सर इसका मतलब यही हो गया, जिसको थोड़ा बहुत टाइम का ज्ञान रहेगा किस टाइम में कौन सा टेंस लगाना है, वो आराम से नहीं बना लेगा टाइम टेंस, पॉइंट क्लियर है, थोड़ा है ठीक तो है, यही तो ई रूल पे जाओ ना, बिफोर है एगो में बी टू लिखल है, यहाँ बी टू लिखल है तो कौन खाली होगा, हैड प्लस बी थ्री, और मान लो कभी कभी ऐसा ही मिलेगा यह लिखल होगा तो यहाँ खाली कर देगा, एगो देगा तो, एगो देगा तो ना वो पूछेगा कौन, हाँ है नहीं, भूल गया, वाह, गो वेंट गॉन ना होता है, अभी बी टू बी थ्री दिक्कत हो रहा है तो भाई तुमको इंग्लिश में दिक्कत होगा, एक चीज याद रखना, क्योंकि आधा वर्बे पे टिकल है, इसने पहला क्लास देखता होगा हम इंग्लिश का, पहला क्लास किससे स्टार्ट करते हैं, किए थे कि नहीं, वर्ब का ज्ञान पहले दे देते हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, खाली बार बार क्या टकराता है, हम हर चैप्टर में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब टकराते रहेगा तुमको, देखो ना हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मेन वर्ब नहीं टकराता, बस इसलिए, इसलिए क्या बोलते हैं, क्या किसी को इंग्लिश सीखना है मान लो, तो मन में क्वेश्चन आएगा सर क्या चीज से स्टार्ट करें, कहाँ से, नाउन प्रोनाउन से नहीं स्टार्ट करना है, सब सर तुमको बोलेंगे, हम लोग सर बोलते थे कि नाउन प्रोनाउन से पढ़ो, नहीं नहीं गलत तरीका है, हमसे पूछेगा तुम वर्ब से स्टार्ट करना, वर्ब को जानो, रचना नहीं है, गो वेंट गॉन ये रचना नहीं है, तुमको जानना, अच्छा ये बी वन होता है बी टू होता है बी सब जानना है, अच्छा ये जमार सब हेल्पिंग वर्ब होता है बस जानना है इस बारे में, तब आ जाओ तुम टेंस में, अच्छा वर्ब टेंस, वर्ब आएगा तो टेंसो आएगा, टेंस आएगा समझ लो टेम टेंसो आएगा, टेम टेंस आएगा तो वॉइसो आएगा, समझ आया, सब कहीं ना कहीं जुड़ल है, वॉइस पर देखेगा तो किस पे जुड़ल है, चलो अगला है, ऑलरेडी दिखे ना क्वेश्चन में क्या दिख जाए,
तो वही हैट प्लस बी थ्री, हैट प्लस बी थ्री, हैज प्लस बी थ्री, जब ये हैज आएगा तो हैव तो घुस गया रहता ना साथ में, हैज प्लस देख लो आंसर क्या होगा, हैज लेफ्ट। ना क्लियर है, मिलेगा एक्सरसाइज में बहुत ही क्वेश्चन मिलेगा, ये तो एग्जांपल बता रहे हैं। अब बताओ ये तो हैव वाला है, मेरा वाला बंदर याद है अभी मत घरे किशन टूट पा रहे भाई, रुको ना पहले सीखो क्या रूल से बता दिए, याद है कि भूल गया रूल सब पॉइंट सब ना पॉइंट, ये सबको एक जगह कर लेना है तुम लोगों। देखो अभी हम जहां जहां क्वेश्चन मिला वहां बता रहे ना, ये सबको तुम क्या करेगा, हमें भी एग्जाम्पल दोनों लिखा है ना, तुम एक कॉपी में पहले पूरा पढ़ लेगा, जब पूरा बोल देगा टाइम तो हम पूरा बता दिए, तो ये पॉइंट सबको तुम एक पेज में सेट कर दे, एक पेज में भर लेगा और पेज को कहीं चिपका लेना, बस एग्जाम जब देने जाना तो बस पेज को देख लेना एक बार शुरू से पर, कि हाँ बिफोर है तो पहले बादला होगा और रेडी है तो हैच वाई प्लस भी थ्री होगा, ऐसे देख करके चुपचाप चल देना, बनाने तो आता ही है। अभी तुमको हम कॉन्सेप्ट बनाना दोनों सिखाएंगे, अब कल एग्जाम में तो इतना एग्जाम्पल तू बना पाएगा, पॉइंट समझ ना, पांच दिन एक दिन थोड़ा होगा, तो बस ये पॉइंट तुमको याद है तो ठीक है, भरने तो आता ही है ना, तुमको याद है कि बी फोर है तो एक तरफ बी टू है एक तरफ बी थ्री, बी टू रहेगा तो बी थ्री लगाना, बी थ्री रहेगा तो इधर याद रहेगा बी टू बी थ्री, नहीं याद रहेगा नहीं, बी टू देते बी थ्री, बी थ्री अकेला आता नहीं है, अच्छा हो गया ठीक है, तो ये सब एक जगह कर लेगा अपना, हम अलग अलग करके दे रहे हैं, तुम क्या कर लेगा हाँ एक पेज मेरा पढ़ लेगा पूरा पढ़ने के बाद ठीक है। अच्छा ये है वाला है तो बताओ, मेरा वाला बंदर बोले थे गांधी जी का क्या गो बंदर, मेरा क्या गो बंदर, तीन गो, गांधी जी का बंदर क्या खाता है, मेरा बंदर खाता है, अब बताओ क्या आदमी है, तो बताओ इसमें पहला होगा नहीं, दूसरा होगा नहीं, पचमा होगा नहीं, छठा होगा नहीं, होगा होगा चौथा होगा नहीं, इस सब भर्म कहीं नहीं होगा, इस जन्म में नहीं होगा, हम लोग तो इसी जन्म का बात करेंगे, इस जन्म में होगा देखते ही मां समझ जाना नहीं होगा, तो सर कौन कौन होगा जो बच गया, सो भीतरी होगा अभी सिक्स होगा, हो गया ये हो गया टेंस में, ये होगा किस में, मतलब भीतरी किस में होगा, कौन टेंस याद है ना, हैज है प्लस भीतरी किस में, हैज है प्लस भीतरी प्रेजेंट परफेक्ट, हैड प्लस भीतरी पास्ट परफेक्ट, नहीं टेंस है, हम खाली भर्म का बात करेंगे लेकिन रियल में वो क्या है, अरे भाई देखो ये जो है ये कौन टेंस का है, कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, ये कौन टेंस का है, पास्ट परफेक्ट, ये कौन टेंस है, सिंपल पास्ट, तो आप किताब समय लिखा लगेगा सिंपल बिफोर है तो सिंपल एक बनेगा पास्ट परफेक्ट में, एक बनेगा सिंपल पास्ट में, तो बच्चा कंफ्यूज सिंपल पास्ट कैसा होगा पास्ट परफेक्ट कैसा होगा, तो सीधे भर्म दिखा देते हैं तो याद हो जाता है ना, एग्जाम में तो नाम थोड़ी याद करना कि क्या भरना भर में ना, तो सोचते डायरेक्ट भर पे फोकस करो, तो वही चीज है, लेकिन ये कौन हो गया, तो पॉइंट समझ में आ गया, हाँ ये भी थ्री हो गया टेंस, और भी सिक्स कब होता है, पढ़ता पढ़ती पढ़ता या हाँ मुझे जाना पड़ता है तुम्हें जाना पड़ता है जरूरी मजबूरी, वही ना है जरूरी मजबूरी वाला, ये ना होता है, बस हो गया। अब देखो तो बस ये वाला क्वेश्चन, ये वाला है जब के बाद भर का क्या ना, देखो देखो यहाँ ऑप्शन दिए सी होगा, कामा है कामा है पहला है ये कामा है, दूसरा होगा नहीं, ये कामा है चौथा होगा ये कामा है पचमा होगा, देख लो ये कामा है तीसरे ना होगा, आसान क्वेश्चन रहता है छठा, अगर मान लो कि यहाँ हाँ हाँ तो टू सी रहेगा क्या ना होगा, हाँ हाईवे टू सी आपको देखना पड़ता था ठीक है, हो गया ना कौन हो गया, ये हो गया ना, हाँ देखो ये है सूरज का बात हो रहा है और सूरज का पृथ्वी का घूमने का मतलब कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चार तरफ घूमता है, पृथ्वी पृथ्वी सूर्य के चार तरफ अब ठीक है ना घूम रहा है ना, सही बात घूम रहा है, तो ये तुम घुमा रहा है, हम घुमा रहे हैं, खुद घुमा रहा है इन्वर्स, हाँ अपने सही बात है खुद घूम रहा है वो यूनिवर्सल ट्रूथ, कह सकते हैं कि खुद घूम रहा है, खुद घूम रहा है तो क्या है, तुम कर रहा है तो मैन मेड हो गया, इंसान कर रहा है तो मैन मेड हो गया, पंखा कौन चला रहा है, हम चला रहे हैं स्विच देर चल रहा है, नहीं चला रहा है स्विच काट देंगे तो, अब पृथ्वी का स्विच है दाब दो और रुक गया, ऐसे ही दबा चलेगा, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ कहने मतलब गॉड गिफ्टेड भगवान का दिया गया, जो काम भगवान का दिया गया है वो बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, याद रखना
किसमें? कौन वाला बात? गॉड गिफ्टेड। तो गॉड गिफ्टेड को ही चार पांच को नाम है, कहेगा यूनिवर्सल ट्रूथ। तुम सोचेगा यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? तुम सोचेगा नेचुरल, नेचर में ही ऐसा है, हरेंगे नहीं बोला अपने आप। ये सब किसका हो गया? तो गॉड गिफ्टेड बोला तुम किस में बनाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो नाम छोड़ो, भर बोलो, बस हो गया। कहाँ कुछ है, आसानी है, टाइम टेंस आसान है, लेकिन भैया टेंस आना चाहिए टाइम टेंस के लिए। और टेंस के लिए क्या आना चाहिए? भर। पॉइंट समझ आया? चल ठीक है, इसका हो गया। किसमें बनेगा? तो ई देखो, ई लगा देगा तो हो जाएगा कड़ा की पृथ्वी सूर्य के चारों घूमता था, आज नहीं घूमता है, कल नहीं घूमेगा। तो जब ये तीनों हो गया ना, घूमता था, घूमता है, घूमेगा हो जाए, तीनों बात हो जाए, तो वो किसी भी में है, चाहे था है या गा है या हो है, वो बनेगा किस में? अगर तुम बोले जैसे दूध उजला होता था, क्या बनाता है? मिल्क इज व्हाइट। इसका हिंदी क्या क्या होगा पता है ना? दूध उजला होता है, दूध उजला होता था, तो मतलब सर था है तो आवाज लगाइए ना, होगा आवाज, दूध उजला होगा। जब ये ऑलरेडी है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इजमार भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, मतलब सिंपल टेंस बोलो। पॉइंट समझ में आया? वो भी अगर वर्ब मेन वर्ब नहीं है तो कौन आएगा? बी वन बी फाइव नहीं है तो इजे मारना होता है। इज वर्ब का क्या होता है? पचमा। आया सर ना? हाँ। आर वर्ब का क्या होता है? पहला। अगर मान लो क्वेश्चन में वर्ब नहीं है तो ई वाला होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। अब समझ में आया इज मार क्यों बना? कहा कि मान लीजिए क्वेश्चन में वर्ब ही नहीं रहेगा तो वर्ब का काम करने के लिए, क्योंकि हमको तो फिक्स ना चाहिए, हमको सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए? अब कौन वर्ब दीजिए हमको, मतलब मेन दीजिए या हेल्पिंग दीजिए? तो ये वी वन आ जाता है तो कहता तुमको आने की क्या जरूरत है? देखो आर भी वी वन है, जैसे हम क्या है? देखो आर और गो, देखो ई भी क्या है, ई भी क्या है, तो बता दोनों आ सकता है एक साथ? नहीं आ सकता है। दो को लेके क्या करेंगे? पॉइंट साहब अभी हमको पढ़ाना है तो हम दो को मार के लेके पढ़ाएंगे, कोनो एगो दो ना, क्या बोलते कोनो लाना एगो, हम कोई ना बोलते हैं, तो तुमको क्या कहेंगे? कोनो लाना। अच्छा और मेन वर्ब दे दिए तो हेल्पिंग चाहिए, हेल्पिंग दे दिए तो मेन चाहिए। अगर पहले से मेन हो तो हेल्पिंग का जरूरत, अगर मेन नहीं हो तो जैसे इसमें व्हाइट वर्ब नहीं ना है, उजला वर्ब होता है, उजला वर्ब नहीं तो हमको वर्ब चाहिए ना, तब ना हुआ देखो सब्जेक्ट वर्ब। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब इंग्लिश घुमा फिरा करके इसी पे ले जाएगा तुमको, इंग्लिश का एक एक स्ट्रक्चर है सही से पूछेगा तो यही, बस वर्ब में हेल्पिंग और मेन को सेट करना रहता है, जिसको सेट करने आ गया बस यही है। कोनो क्वेश्चन लाओ इसी पे जाएगा वो, कुछ कितनों बड़का बोलो इसी पे जाएगा, ऐसा ना कोनो क्वेश्चन सब में होगा। बस है कभी कभी ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा? अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स ऑब्जेक्टिव होता है, प्रीपोजिशन के साथ आ जाता है ऑब्जेक्ट, तो अदर वर्ड्स बोल देते हैं, बिना प्रीपोजिशन का आ गया तो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना? ठीक है रुकना, हो गया तो क्या हो जाएगा? फिर वो आना चाहिए तुमको बी वन बी फाइव लगाने, तो पृथ्वी एगो है ना, तो एगो है तो बी वन होगा कि बी फाइव? याद रखना एक के साथ क्या आता है, सॉरी गलती बोल दे, बी फाइव ना, हाँ और एक से ज्यादा के साथ, तो ये चार्ट भी याद होना चाहिए ना तुमको, इसी चार्ट से क्वेश्चन बनेगा। कौन ये तुमको पता है कि बी वन भी पता नहीं कि बी फाइव कहाँ लगता है, बी वन कहाँ लगता है? पॉइंट समझ आया ना? माल तुमको पता है कि बुखार लग गया, पैरासीटामोल खाना है, कैसे खाना है पता नहीं है, चबाना है कि चूसना है, कि दूध में घोर के खाना है, कि खा लेना है तब पानी पीना, कि पानी पी लेना है तब खाना है, तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना, पता है ना कि दवाई खा लेते फांक लेते हैं और तब जा करके कैसा होता है कि पहले पानी पी ले तब दवाई खा, लाओ दवाई अब खा लेते हैं। पॉइंट समझ आया ना? तो ये बी वन बी फाइव लगाने आना चाहिए, ये समझ में आ गया। अगला ये जो एगो दिखे ना, एगो सिंपल पास्ट, बस हम तुमको टाइम बताएंगे, एगो क्या होगा, मतलब कि भर का क्या मा, सब स्टार लगा, सब पॉइंट सब है, यही तो ट्रिक है, यही तो ट्रिक है, यही सब याद होना चाहिए। ये जो स्टार वाला याद है तो एक क्वेश्चन अपने मने बनेगा, लिखना आराम से, स्टार वाला पॉइंट नहीं याद है तो क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा। आ जाओ आज लिखना, रुक जाओ, उसके बाद गॉड गिफ्टेड हो गया, ठीक है बताओ इसमें एगो है तो क्या लगेगा? बी टू, बी टू खोज लो, वेन ना हो गया। एग्जाम में तो चार गो ऑप्शन रहेगा, चार ऑप्शन तीन गो ऑप्शन बकवास रहेगा, या दो गो ऑप्शन
कहीं से मैच नहीं करेगा वो कहीं से मैच नहीं करेगा। आगे देखो नाव वाला बताए थे याद करो, भारत का क्या माँ पचमा है चौथा, जो बता चुके वो दोबारा वो भी दोबारा पूछेगा तो बस सीख गया तुम लगता है तो टॉप कर ही जाएगा तुम एग्जाम नाव फिक्स से बी फोर। हाँ नाव में क्या होगा बी फोर, तब जाकर सीज राइटिंग का लेटर नाव वही पर लिख रहा है से जैसे हमको बोले देखे बोलेगा सर इज टीचिंग नाउ, सर तुम्हारी कोई आगे क्या बोले सर इज टीचिंग नाउ, सर पढ़ा रहे अभी तो नाउ अभी है ना अभी यही तो अभी है, हम लोग नाउ देख के घबरा जाते हैं इसमें क्या होगा तो बोल तो दे नाउ का ट्रिक ले तो क्या बोले थे हम नहीं तुम बेड पे लेटर लगातार तुम्हारा ऑपरेशन चलते रहेगा तो फोन उठाएगा तो उठाएगा तो फिर फोन उठाएगा कहीं ऑपरेशन करते जब पेट में ना फोन छोड़ दे तो बसते रहेगा अंदर में उठाते रहना तो एक ब्लूटूथ कनेक्ट करके रखना ताकि ब्लूटूथ उठ जाए। हाँ नहीं तो फिर उठते रह जाएगा तुम तो कह ऐसा तुम ही उठ जाना दुनिया से ठीक है आ जाओ लास्ट ही टोल। देखो एक चैप्टर इनरेशन का क्वेश्चन है किसका है तो नेशन ही ना बता है तो अभी बताएंगे तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा नहीं कम आएगा ऐसे में सिखा देंगे लेकिन नेशन पढ़ लिया रहेगा जैसे टेंस पढ़ लिया टाइम इन टेंशन में आ रहा ना सिंपल प्रेजेंट भी उनका कोई टेंस नहीं पढ़ लेगा उसको बोले सिंपल प्रेजेंट है नाना वो कहेगा ये क्या है ये कहाँ आता है कहियो वो कहेगा कहाँ घर है फिर कहेगा सिंपल प्रेजेंट कहाँ कराने वाला है नहीं होगा तो ये नेशन का क्वेश्चन है बताते बन जाएगा इसमें तुमको यहाँ पर दिखेगा बार बार एक दो चीज फिक्स है टोल्ड दिखेगा भर को क्या है दूसरा और क्या क्या दिख सकता है सर यहाँ लिखते हैं देखो क्या सब दिखेगा टोल्ड दिखेगा और दिखेगा तुमको सेड दिखेगा दो तुमको दिखेगा बी टू है ना तो बी टू का मतलब बी टू है मतलब क्या पास्ट है ना क्या है बस इतना ना एक बात और याद रखना ज्यादातर अगर बात हो रहा है एक तरफ पास्ट का तो दूसरे तरफ भी बात होगा पास्ट का बस इतना बात याद रखो लेकिन ये 98% फॉलो करना कितना परसेंट तो 90% कम है मतलब एक तरफ बात हो रहा है पास्ट का तो उस तरफ कौन होगा बताओ इधर पास्ट खोज लो इज पास्ट है कि वाच पास्ट है ठीक समझ में आ गया क्वेश्चन बनाने का तरीका कि सर ये प्रेजेंट वाला कहीं घुसियाने वाला बात नहीं है आंसर क्या हो जाएगा और ये बात कॉन्सेप्ट है नरेशन में होता है नरेशन में क्या होता है यहाँ पास्ट है तो उधर खींच करके कहाँ ले जाइए नरेशन में क्या होता है यहाँ रहेगा इज क्या रहेगा इज गोइंग नरेशन में दो गो नरेशन होता है एगो डायरेक्ट एगो इनडायरेक्ट तो डायरेक्ट में रहेगा इज गोइंग जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कह रहा है अगर यहाँ पास्ट है तो इसको भी कहाँ खींच के लाइए तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा तो इसका नेशन मान भी आ गया हमको नहीं आ गया पॉइंट समझ में आया नेशन पहले से रहेगा इज गोइंग तुमको करना रहेगा तो यही देख के करना पड़ता है वही क्वेश्चन यहां दाग दिया उठा के रख दिया है तो मीने घर में नहीं आ जाओ हो गया छाप लो सर पॉइंट छापो अभी सर।